हे गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं फिर से इस टाटा नेक्सॉन के बारे में, जो कि इस सेगमेंट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी है। मतलब बहुत अच्छी सेल होती है और इसमें बहुत अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप फैमिली के हिसाब से एक ऐसी एसयूवी देख रहे हो, इसमें आपको अच्छी सेफ्टी मिल जाए, अच्छे खासे फीचर्स मिल जाए, परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और ये गाड़ी पेट्रोल डीजल दोनों में आती है, तो ये गाड़ी आपकी फैमिली के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगी। तो मैं तो आपको जरूर कंसिडर करूंगा कि इस कार को आप जरूर परचेज करें। अब्बा नहीं मानेंगे। बाकी ये जो मॉडल आप देख रहे हो ना, ये इसका एग्जैक्ट ए प्लस मॉडल है। ये ऑटोमेटिक में आ रखा है, गाड़ी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आती है। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आप देख रहे हो, और इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलेगा। और ये वाला जो मॉडल है, इसका जो ऑन द रोड प्राइस है वो आपको पड़ जाता है 12,30,000 रुपए, जिसमें आपको हर एक चीज इंक्लूड होके मिल जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी के होने के हिसाब से उतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो इस ऑटोमेटिक वेरिएंट की हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज की बात करेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर से दबाना, ताकि कोई भी मेरा सिंगल अपलोड मिस ना करो। मेरा नाम युगल एंड यू आर वॉचिंग कोड 6। तो सबसे पहले इस कार के हम एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। तो ये रही इस नेक्सॉन की चाबी, वैसी चाबी जैसा आपको टाटा की और गाड़ियों में मिलती है। सबकी चाबियां सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लॉक अनलॉक का बटन है, सर्च बटन है, इसको आप दबाओगे तो गाड़ी की जो DRLs हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, वो ऑन हो जाते हैं, और इसमें आपको बूट अनलॉक वाला जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। बाकी ये जो कलर आप देख रहे हो, ये इसका फ्लेमिंग रेड कलर है। नॉर्मल रेड नहीं है, नॉर्मल रेड कलर से थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप इसे पास से देखोगे तो नीचे की तरफ को यहाँ पे थोड़ा एक डार्क शेड है, यहाँ ऊपर की तरफ को हल्का हल्का लाइट शेड है, तो ये नॉर्मल रेड कलर नहीं है। इस गाड़ी में टोटल आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। टॉप वेरियंट्स में जाएंगे जिसमें सनरूफ भी आपको मिलती है, तो उसमें आपको ड्यूल टोन इफेक्ट भी मिल जाता है। हाँ, इस वेरियंट में आपको सनरूफ नहीं मिलती। अगर आप इससे ऊपर वाले वेरियंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो सनरूफ है वो मिलने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे गौर करना, एक्सटीरियर का लुक है ना, भले आप इसका टॉप मॉडल ले लो, सेकंड टॉप या थर्ड टॉप, ऐसे कोई भी मॉडल ले लो, सारे लुक दिखने में सेम है। बस एक सनरूफ का अंतर आता है, बाकी एलॉय व्हील्स हो गए, एक्सटीरियर पूरा दिखने में आपको सेम ही मिलता है। कोई डिफरेंस नहीं, पता ही नहीं लगा पाओगे कि कौन सा मॉडल आप देख रहे हो। हाँ, इसका जो डार्क एडिशन मॉडल है वो भी मैं कवर कर चुका हूँ, दिखने में बहुत अच्छा लगता है डार्क कलर में। और इसका जो टॉप वेरियंट है, बिल्कुल टॉप वाला मॉडल, प्रीमियम मॉडल, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं, वो भी मैं कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको दोनों देख रहे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, दोनों वीडियोस का जाके चेकआउट करो, आपको अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि टॉप मॉडल में और डार्क एडिशन मॉडल में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। तो चेकआउट उसको जरूर से करना। तो सबसे पहले अभी इस ऑटोमेटिक वेरियंट की हम बात करेंगे, तो गाड़ी को अनलॉक करते हैं। यहाँ पे देखना, ऑटो फोल्डेबल आपको मिरर्स का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी लाइट्स वही रहेंगी यहाँ पे। इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, वो आपको हैलोजन में मिलेंगे। DRLs आपको मिल जाते हैं जिनमें ट्रायरो डिजाइन में दे रखे हैं, और फॉग लैंप भी आपको हैलोजन में मिलते हैं, मतलब प्रॉपर यहाँ पे हैलोजन सेटअप मिलता है। और साइड की तरफ को आते हैं, साइड जो लुक है वो कुछ इस तरह से आता है। काफ़ी बड़े यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, दिखने में अच्छे हैं, बोल्ड लुक मिल जाएगा। गुडियर की ट्यूबलेस टायर में मिल जाएंगे आपको, 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। बाकी ब्रेक्स इसमें आपको वही मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में बहुत अच्छा मिलता है, इसमें आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिला, देख रहे हो कितना बड़ा है। तो इस गाड़ी को लेकर आप कहीं भी जा सकते हो, लद्दाख का टूर भी मानना हो तो वो भी आप बहुत ईजिली कवर कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, लेकिन वो खाली आपको जो ड्राइवर साइड है उस तरफ को ही मिलेगा, को ड्राइवर साइड की तरफ को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे गाड़ी में आपको सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आपको ऑटो फोल्डेबल वार्विंग्स मिल जाए जिसमें आपको पहले बताया था। इस मॉडल में आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलती, अगर आप इसके ऊपर के मॉडल्स में जाओगे तो वहां से आपको जो सनरूफ है वो मिलनी शुरू हो जाती है। ये जो मॉडल आप देख रहे हो, ये इसका पेट्रोल मॉडल है। पीछे का जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से इसकी जो ब्रेक लाइट है वो आपको मिलेंगी, LED में इसकी जो ब्रेक लाइट है वो मिलती है, और नीचे यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, और जो कैमरा है वो ठीक यहाँ पे टाटा के लोगों के नीचे मिलता है। ऊपर यहाँ पे आपको डिफॉगर, रेयर वाइपर, बॉडी कलर स्पॉयलर, सभी चीज़ें आपको इस मॉडल में मिल जाती हैं। अब बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बूट अनलॉक करने के लिए आपको इस तरह से जो सेंसर है वो मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। और देख रहे हो कितनी बड़ी पार्सल ट्रे है, तो इसके ऊपर भी आप छोटा मोटा स्टफ काफ़ी सारा कैरी कर सकते हो। और एक अच्छी बात और है कि इस मॉडल में आपको 60-40 स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिलता है, तो अपने अनुसार सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, सामान अपना कैरी कर सकते हो। और इसमें आपको 350 liter की बूट स्पेस मिलती है, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा स्टफ आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। मतलब एक बड़ा वाला जो लगेज पैक है वो यहाँ पे ईजिली फिट हो जाता है। बाकी इसमें आपको दिख रहा है पंचर किट भी मिल जाती है साइड में इस तरह से लगी हुई, और यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है, ताकि अंधेरे में आप सारा सामान अपना अच्छे से देख सको। और इसके नीचे ऑब्वियसली यार जो स्पेयर व्हील है ना, वो जैक हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपको रखा हुआ मिल जाता है। जैसे मैं कह रहा था ना,
ऊपर के अगर आप सेकंड टॉप टॉप मॉडल थर्ड टॉप मॉडल, तो दिखने में सब कुछ सेम है, फीचर्स में भी एक दो चीज़ों का डिफरेंस आता है, बाकी सभी चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिल ही जाती हैं। कोई डिफरेंस नहीं इतना बड़ा कि आप कह सको यार कि इसमें तो आपको ये नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ा इशू हो गया, ये चीज़ होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एक फटाफट से जब इंडिकेटर जल रही है तो मैं आपको फ्रंट की जो DRL है वो दिखाता हूँ, इस तरह से जलती हैं ये, आपके इंडिकेटर का फंक्शन भी वर्क करते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा लुक आ रहा है, शाम के समय जब आपकी DRL जल रही होंगी, लाइट जल रही होंगी, तो एक बहुत अच्छा लुक गाड़ी को आता है। अब इंटीरियर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो उसकी सेकेंड रो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पीछे की जो रो है इस तरह से दिखती है। यहाँ पे गौर करना, आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको दो बड़े कप होल्डर का ऑप्शन मिल जा रहा है, और पीछे आपको दो बड़े एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं, तो अच्छा आपको जो हेड सपोर्ट है वो ही मिल जाएगा। और पीछे बताऊँ, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। ओहो, यहाँ मुझे टाटा की गाड़ी की बहुत अच्छी बात क्या लगती है कि इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब अगर आप बैठते हो तो लग रहा है घर की सोफे में बैठो, इतना सॉफ्ट है, मतलब बैठ के बहुत मज़ा आता है। और अंदर साइड सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, देख रहे हो कितने वाइड और चौड़ी सीट्स हैं, तो कंफर्ट में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको दो AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, हाँ चार्जिंग सॉकेट नहीं है लेकिन AC वेंट्स आपको मिल जा रहे हैं। और डोर में देखना है, यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट है, ट्विटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे भी इस तरह से देखना ये पियानो फिनिशिंग मिल जाती है। बस इस गाड़ी में अगर एम्बिएंट लाइटनिंग मिल जाती ना तो मज़ा ही आता, लुक अंदर के बहुत ही अच्छे हो जाते। सॉफ्ट ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं, सॉरी यहाँ अंधेरा हो रहा है, यहाँ दिखाता हूँ, इस तरह से सॉफ्ट ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, और इसमें दोनों तरफ आपको हुक के ऑप्शन भी मिलते हैं। और हाँ, जो सीट बेल्ट है ना उसमें भी आपको इस तरह से हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो अपने हाइट के अनुसार सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सब फीचर टॉप मॉडल वाले ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और म्यूजिक क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, हार्मन का म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, तो म्यूजिक क्वालिटी कमाल की, अगर आपने इसका सुन लिया तो मजा आएगा आपको म्यूजिक में। पीछे की सीट मैंने आपको दिखा दी है, बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा आपको कंफर्ट मिलेगा। अब चलते हैं ड्राइवर सीट में, देखते हैं क्या क्या इस मॉडल में आपको ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो इस तरह से आपको व्यू मिलेगा जब आप ड्राइवर सीट में बैठ जाओगे। इंटीरियर उसका दिखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक दे दिया और कंपनी की तरह, अच्छा ड्यूल टोन इफेक्ट है। यहाँ पे देख रहे हो ये प्लास्टिक नहीं है, ये थोड़ा ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग दे रही है, मतलब मज़ा आता है गाड़ी के अंदर बैठ के। और जिसमें कहता था ना, इसमें आपको मोड सेलेक्टर मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पर आपको मिलता है, मैं लगा के दिखाता हूँ एक बार ज़रा, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बड़ी रेयरली बात है, आवाज़ तो आती है इसमें, लेकिन आपको क्या था इसमें कोई दिक्कत होगी, लेकिन इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, इको मोड मिलेगा, आपको सिटी मोड मिलता है, तीन मोड यहाँ पे मिल जाएंगे, तो अपने अनुसार ये सब चीज़ों को आप सेट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में यहाँ पर आपको देखना इस तरह से टिल्ट मिल जाता है, और टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन इस वाले मॉडल में आई थिंक नहीं मिलता, खाली टिल्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको इसमें माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे आप जो टच स्क्रीन है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें आपको एंड्रॉयड एप्पल दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, वॉइस कमांड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे कोई क्रूज कंट्रोल का बटन नहीं है, तो इसमें मेरे ख्याल से इस मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोलर नहीं मिलता है, बाकी यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पे लाइट से कंट्रोल मिलते हैं, और जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको इधर मिलेगा, देख रहे हो इसमें ग्रीन बत्ती चल रही है, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ मिलता है, नेक्सॉन छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, ये भी जो देख रहे हो ये पियानो फिनिशिंग है एक्चुअल में, और टच स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी है, हल्का हल्का समझ नहीं क्यों लैगी, देख रहे हल्का हल्का लैगी वाला फील आता है, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं है, इस चीज़ में अगर थोड़ा काम हो जाएगा ना तो ये टच स्क्रीन बहुत बढ़िया बन जाएगी। इसको यहाँ से एक बार ऑफ कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे टाइम है वो बनाता है, इसमें आप जो वॉच है उसको भी चेंज कर सकते हो, इतनी सारी वॉचें आपको यहाँ पे मिलती, देख रहे हो जो भी आपको पसंद है उस टाइप की वॉच आप लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डिग्गी है मतलब पीछे की जो बूट है उसको अनलॉक कर सकते हो, डोर को लॉक अनलॉक करने का, फॉग लैम्प के कंट्रोल हो गए, और यहाँ पे अंदर आपको इस तरह से 12 वोल्ट का ये जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिलता है, USB जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है, और ये इसका गियर नॉब हो गया, गियर नॉब का डिज़ाइन देख रहे हो कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लुक इसमें आ रहा है। और हाँ, इसको आप मैन्युअली भी शिफ्ट कर सकते हो, 6-speed के इसमें आपको ट्रांसमिशन मिलता है। अगर आपको आइडिया नहीं है ना कि क्या कहते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे गौर करना, इस तरह से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आपको, जब भी आप टाटा की गाड़ी लोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा कैसे गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे, न्यूट्रल कैसे लगाना है, रिवर्स में कैसे करना है, कॉशन यहाँ पे मिल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, तो इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है वो मिल जाते हैं। क्या घूर रहा है भाई, कभी यूट्यूबर नहीं देखा क्या? और गौर करना, ORVM के जो कंट्रोल हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट है, ट्विटर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे अपना अम्ब्रेला आप डाल सकते हो, और वाटर बॉटल यहाँ पे आप एक लीटर आधे लीटर की आराम से कैरी कर लेंगे, और पावर विंडो के जो कंट्रोल हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से मिलते हैं। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स का साइज़ है ना वो एक्चुअल में बहुत अच्छा है, मतलब इसको देख के ऐसा लगता है जैसे फ्रिज है,
मतलब काफी बड़ी लाइट है और कूलर बॉक्स आपको मिलेगा, तो काफी सारा स्टफ आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो। और सेफ्टी की बात कर लें तो आपको पता है टाटा की गाड़ी है, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। ग्लोबल एनकैप में इस कार को 5-स्टार रेटिंग मिल रही है और सेफ्टी फीचर्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप नीचे के मॉडल भी लोगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर को ड्राइवर के लिए, बाकी आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे। हाँ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस वाले मॉडल में नहीं मिलता। अगर आप ऊपर वाले मॉडल में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो सनरूफ होती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो सब भी मिल जाएगा। और हाँ, जो लाइट्स है ना वो इस गाड़ी में आपको LED में मिलती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, प्रीमियमनेस वहाँ पर शो हो जाती है गाड़ी की। हाँ, सनग्लास होल्डर नहीं है, इस तरह से आप जो सनग्लास है, जैसे मैंने अपना ग्लासेस रखे, इस तरह से यहाँ पर आप कैरी कर सकते हो। और को ड्राइवर साइड आपको एक छोटा सा मिरर, बाकी जो सीट्स दिखाऊं, इस तरह की सीट्स हैं, मैं कहता हूं फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है, इनमें भी आपको एक ट्रायरो टाइप का डिज़ाइन दे रखा है, वाइट कलर की स्टिचिंग हो रही है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप हेल्थी भी हो ना, बहुत आराम से बैठ जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया कंफर्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। बस एक लास्ट इसका जो इंजन है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है इस नेक्सॉन का इंजन, यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। नाम भी कितना धासु है, रेवेट्रॉन, जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करता है, 118 bhp, 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, तो अच्छी पावर डिलीवरी आपको मिलती है, स्पोर्ट्स मोड हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। और फ्यूल टैंक की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी इस गाड़ी पे 16.5-17 का माइलेज क्लेम करती है, बाकी आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एवरेज आप इस कार से सिटी वाइज और हाई वाइज जनरेट कर लेते हैं। तो इस नेक्सॉन के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बता दी है, इसकी क्या इंजन स्पेक है, कैसे अंदर फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइस हो गया, हर एक चीज़ अच्छे से बता दी। तो अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है या फिर टेस्ट ड्राइव लेनी, कुछ भी जानना है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैं आ रखा हूँ उत्तराखंड हल्द्वानी के टाटा मोटर शोरूम में, तो इन्हें कॉन्टैक्ट करना आप मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। बहुत मिलता है आपको ऐसी एक और नई क्रेजी मशीन के साथ, तब तक के लिए स्टे लीगल बट ड्राइव फास्ट।